इसराइल और हमास के बीच जारी जंग को एक महीना बीत चुका है। गाजा में इसराइली हमला बढ़ गया है। 5 नवंबर की शाम गाजा पट्टी कई विस्फोटों से दहल गया। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में बढ़े हुए हमले इसराइली सेना के अगले 48 घंटों के भीतर गाजा शहर में प्रवेश करने की योजना का संकेत दे रहे हैं। वहीं गाजा में कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ठप हो गया है। रविवार को गाजा पट्टी 2 शरणार्थी शिविरों पर हमला किया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल ने कहा कि IDF गाजा पट्टी को 2 भागों में काटने के लिए ये हमला कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इजरायली सेना ने गाजा शहर को घेर लिया है। अब वहां एक दक्षिणी गाजा और एक उत्तरी गाजा में बंट गया है। डैनियल ने ये बात तब कही जब इस जंग पर अपनी पश्चिम एशिया कूटनीति के तहत अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक का दौरा किया और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इसराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत करने के बाद एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को जॉर्डन में अरब देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि जब तक हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक कोई अस्थायी संघर्ष विराम नहीं हो सकता है। अमेरिका ने आम नागरिकों को राहत देने के लिए इसराइल से कुछ वक्त के लिए हमला रोकने की अपील की थी लेकिन इसराइल का कहना है कि वो गाजा में हमास शासकों को कुचलने के लिए अपने हमले जारी रखेगा। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अचानक ही हमला कर दिया जिसमें 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं 200 से ज्यादा लोगों को हमास ने बंधक बना लिया जिसके बाद इसराइल ने जंग का ऐलान करते हुए हमास को खत्म करने की कसम खाई और तब से लेके अब तक लगातार इसराइल गाजा पट्टी पर हमला किए जा रहा है और हमास को खत्म करने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।